तो स्वागत है आप सभी का संडे टॉक के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली इस वीक जो सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों की तरफ से कमेंट आया वो ये है कि मैम आप उर्दू में कॉपी कैसे लिखा जाता है, इसका 100% सही तरीका बता दीजिए। किस तरह से उर्दू का पेपर हम लोग लिखेंगे, जिस दिन उर्दू सब्जेक्ट का हम लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उर्दू में उर्दू के आंसर शीट में हम लोग आंसर किस तरह से लिखेंगे, क्या लाइन छोड़कर लिखे या फिर बिना लाइन छोड़े लिखे, कॉपी के आगे से लिखे, पीछे से लिखे, किस तरह से लिखे, ब्लू पेन से लिखे या फिर ब्लैक पेन से लिखे, किस तरह से उर्दू का पेपर लिखा जाता है ये आप हमें बता दीजिए। तो फाइनली ये तरह तरह के जो क्वेश्चन आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में मिल जाने वाला है। सारा डाउट 100% आउट हो जाने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू का पेपर लिखने का 100% सही तरीका सीखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में उर्दू की कॉपी कैसे लिखी जाती है, 100% सही तरीका क्या है, ये तो आप लोग जानेंगे ही। उसके साथ साथ बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या फिर साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, तो अगर इन सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो इन सभी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है, कॉपी में किस तरह से आंसर लिखा जाता है, ये भी तरीका आप लोगों को पता चलेगा। मतलब कि ये वीडियो सिर्फ उर्दू वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है बल्कि सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी या फिर साइंस, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो। मतलब आप लोगों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट पता चलेगा कि आंसर शीट में आंसर कैसे लिखा जाता है, अब चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना लिख रहे हो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आज शाम को 4 बजे ही यानी कि संडे के दिन ही, आज ही शाम 4 बजे एक और संडे टॉक का वीडियो अपलोड होगा, यानी कि आज संडे के दिन 2 संडे टॉक का वीडियो, एक जो अभी आप हमें देख रहे हैं ये वाला वीडियो और दूसरा आज शाम को 4 ही बजे अपलोड होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इसी वीक एक ऐसा कमेंट आया ना कि वो कमेंट हमें वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया, तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। और किस टॉपिक पर है वो तो आप लोगों को वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग में ही आज के इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दे, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फरवरी में 10th और 12th का एग्ज़ाम है, तो ढेर सारी हमारी तरफ से आप सभी लोगों को आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएँ, और ख़ासतौर से 12th क्लास वालों को, क्योंकि उनका एग्ज़ाम सबसे पहले है, बाद में 10th वालों का है, लेकिन फिर भी 10th वालों को एडवांस में ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद। सभी स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं, सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहती हूं कि हमारी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं। गॉड से मैं प्रे करती हूं, ऊपर वाले से दुआ करती हूं कि जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम हो, आप लोग एग्ज़ाम देने जाए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे और आप लोग के हाथ में इतनी शक्ति आ जाए, आप लोग के कलम में इतनी ताकत आ जाए कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर एकदम सही और ज़बरदस्त अंदाज में लिख कर आए, और एग्ज़ामिनर के कलम में भी इतनी ताकत हो कि वो आपके कॉपी को चेक करने के दौरान कुछ मार्क्स बढ़ा कर ही दे दे, ठीक है ना। तो ये हो गई ढेर सारी दुआएं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं और डरे रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। जब एग्ज़ाम करीब होता है स्टूडेंट जो है काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, हेजिटेशन में रहते हैं, और एक तरह से डर बैठा रहता है कि ओ माय गॉड हमारा एग्ज़ाम है इस तारीख को और पता नहीं एग्ज़ाम कैसा जाएगा। एक तो डरे रहते हैं स्टूडेंट, उसके बाद से कुछ अफवाहें जो है ना और उनको डरा देती हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में परीक्षा होगी, ठीक है, बहुत कड़ी परीक्षा ली जाएगी, इस तरह की अफवाहें सुनकर जो है ना स्टूडेंट और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हेजिटेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप लोग अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, जितना आप लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। अब नए टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है, जितना आप लोग पढ़ चुके उसको रिवाइज़ मारिए। आप जितना पढ़ चुके उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इतना पढ़ चुके हैं, इतना मुझे याद होना चाहिए, यानी कि उसको रिवाइज़ कीजिए उतना। देखिए मैं अपना पर्सनल बात आप लोगों को बता रही हूँ, जब मैं 12th क्लास का एग्ज़ाम दे रही थी ना तो मैं फिज़िक्स नहीं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर को नहीं पढ़ी थी, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर पढ़ी थी ना उस पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि इन सभी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। भले ही 2 चैप्टर नहीं पढ़ी हूँ लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर मैं पढ़ी हूँ ना उस पर मैं पूरा रिवाइज़ कर चुकी थी और उस पर मेरा पूरा कॉन्फिडेंस था। तो वही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी जितना आप लोग पढ़े हैं उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। जो छूट गया अब वो छूट गया, अब नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है, अब समय है आप जो भी पढ़े हैं वो रिवाइज़ करने का। रिवाइज़ कीजिए और याद कीजिए, जिस जो आप लोग पढ़ चुके हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि इतना ही हम पढ़कर और हम एग्ज़ाम फोड़ेंगे, यानी कि ज़बरदस्त मार्क्स लेकर आएंगे और टॉप ऑफ द बेस्ट बनेंगे। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आराम से पढ़िए। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, तो जब पहले ही क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है ना तो स्टूडेंट डर जाते हैं, ओ माय गॉड पहला ही क्वेश्चन इतना हार्ड,
अब इसी में अपना समय या क्वेश्चन का आंसर याद करने में ही समय गंवा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है कि उसका आंसर आप लोगों को पता हो, नहीं पता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर पता होता है सबसे पहले उसी का आंसर लिखा जाता है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप लोगों को आंसर लिखना है, और सारी बात मैं आप लोगों को एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे और सीट वगैरह ढूंढ कर बैठ जाएंगे, तो आप लोगों के हाथ में क्वेश्चन पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट उसको कहते हैं जिसमें आप लोगों को आंसर लिखना होता है, मतलब जो कॉपी आप लोगों को आंसर लिखने के लिए मिलता है ना, उसको कहा जाता है आंसर शीट। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए ये आपका आंसर शीट है, ये रियल वाला नहीं है, मतलब कुछ देर के लिए मान लीजिए ये क्या है, आपका आंसर शीट है। और ये हो गया फ्रंट पेज, जहाँ पर आप लोग का फोटो चिपका रहता है और कोड और रोल नंबर वगैरह भरना रहता है, सिग्नेचर स्टूडेंट साइन वगैरह करना रहता है। तो समझ लीजिए कि आप लोगों का फ्रंट पेज है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना रोल कोड, रोल नंबर, जो भी नाम वगैरह और सिग्नेचर वगैरह करना है, ये सारा भर दीजिए और सिग्नेचर वगैरह कर दीजिए, और केयरफुली करना है। रोल कोड, रोल नंबर ध्यान से आप लोग को केयरफुली भरना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग गलती कर दिए अटेंडेंस अटेंड करते समय, या फिर रोल कोड, रोल नंबर भरते समय अगर आप लोगों ने गलती कर दिया, तो फिर आप लोग का रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा, आप लोग का रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो फिर आप लोग के लिखने से कोई फायदा। तो इसी वजह से आप लोग सबसे पहले एकदम गहरी सांस लेकर आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, जो आप लोगों को आंसर शीट मिलेगा, फ्रंट पेज होगा, आप लोगों का फोटो चिपका वगैरह रहेगा, वहां पर केयरफुली रोल कोड और रोल नंबर भरना है। देख लीजिए कहाँ है स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है, वहाँ पर आप लोग अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है, फ्रंट पेज भर दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जब आंसर लिखने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए फ्रंट पेज हो गया, तो इस पेज को छोड़ देते हैं, यानी कि एक पेज को छोड़कर यहाँ से इस लाइन को लाइन मानते हुए आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि इस लाइन को लाइन मान लेते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आपको इस तरह से नहीं करना है। अब सही तरीका क्या है, किस तरीके से आंसर लिखेंगे, ये ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप अपना फ्रंट पेज, जो भी रोल कोड, रोल नंबर भरना होता है, वो भर दीजिए। उसके बाद से आप लोग को कॉपी को 4 फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, 4 फोल्ड, यानी कि कॉपी को 4 हिस्सों में बांटना है मोड़कर। तो देखिए मोड़ने का तरीका मैं बता दे रही हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना, पहला वाला हिस्सा, इस दूसरे वाले हिस्से से ले जाकर मिला दीजिए, कोना देख लीजिए, अच्छे से मिला लीजिएगा ऐसे एकदम बराबर, और इस तरह ले जाकर कैमरामैन जरा जूम करो, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से, एकदम बड़ा बड़ा आँख करके और एकदम गौर से सुन लीजिए, मेरी बातों को सुनिए, और जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह करना है आप लोगों को। ये है 100% सही तरीका। आप लोग फ्रंट पेज भर देंगे और मोड़ेंगे इस तरह, देखिए कोना को अच्छे से मिला लेना है और इस तरह करके बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हो गया अभी डबल फोल्ड। ये कॉपी जो है ना, ये 2 भागों में, 2 हिस्सों में बढ़ गई, ये डबल फोल्ड हो गया, इसको 4 फोल्ड करना है। तो अब देखिए फिर ये पहला वाला जो हिस्सा है ना, बीच में जो फोल्ड हुआ है, इसे ऐसे मिला दें, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक इधर से फोल्ड कर दिए, ट्रिपल फोल्ड हो गया, 3 हिस्सों में बट गया, 1, 2, 3। अब ये वाला जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसी को फिर से बीच वाले जो बीच में फोल्ड हुआ है, इसमें ले जाकर मिलाना है सीधे लाइन में, और मिलाते हुए इस तरह मोड़ देना है। देखिए यहाँ से इस तरह एकदम सीधा फोल्ड कर देंगे आप लोग, ये हो गया, ठीक है, और इधर से ये हो गया। तो आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड में मुड़ गया है, 4 हिस्सों में बट गया है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये 4 फोल्ड हो गया ना, यानी कि कॉपी 4 हिस्सों में मुड़ गया। अब देखिए क्या करना है, फ्रंट पेज आप लोग भर दिए और उस पेज को छोड़ देना है, मतलब कि एक पेज छोड़कर जो लिखा जाता है उसी तरह फ्रंट पेज जहाँ पर आप लोग रोल कोड, रोल नंबर वगैरह भरे हैं, इसको छोड़ देना है, और एक पेज छोड़कर यहाँ से आप लोगों को देखिए कैसे आंसर लिखना है। ज़रा और जूम किया जाए, देखिए ध्यान से देखिए, कलम मैं ले लेती हूँ, ये रहा कलम, देखिए अब आप 4 फोल्ड कर दिए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सों में इस आंसर शीट को मोड़ दिए हैं। अब ये जो लाइन खींचा गया है ना, ये लाइन प्रिंट हुआ है, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं है, इससे ये लाइन खींचा है कि नहीं खींचा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये 4 हिस्सों को देखना है, 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सा दिख रहा है ना, इसमें से ये जो पहला वाला हिस्सा है, इतना पहला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसमें आप लोगों को नंबरिंग करना है, यानी कि कितने नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसमें नंबर डालना है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, मतलब पहले वाले हिस्से में नंबर डाला जाता है कि हाँ आप इतने क्वेश्चन नंबर का आंसर दे रहे हैं, और बाकी जो 3 बचा हुआ हिस्सा है ना, 1, 2, 3, बाकी 3 हिस्सों में आंसर लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान रहे, एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, ये जो लाइन
प्रिंट किया रहता है आंसर शीट में, इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ये लाइन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, आप इसको इग्नोर कीजिए। जो चार हिस्सों में बांटे हैं ना, इस चार हिस्सों में जो फोल्ड किए हैं, इन चार हिस्सों में से पहले वाले हिस्से में आप लोगों को नंबरिंग करना है और बाकी तीन हिस्से में आप लोगों को आंसर लिखना है। अब देखिए कैसे लिखना है। मान लीजिए हिंदी का एग्ज़ाम हो या फिर साइंस का हो या फिर SST का हो, तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है, 1 का आंसर आप लोगों को लिखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, एक नंबर डाल देते हैं और उत्तर लिख देते हैं इस तरह, उत्तर, और लिखकर इस तरह डैश दे देते हैं और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है ना, तो आप लोगों को लिखना है क्या, प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर, ध्यान से देखिए, प्रश्नोत्तर मैं लिख दे रही हूँ, प्रश्नोत्तर, इस तरह से प्रश्नोत्तर लिख देना है और डैश देकर कितना नंबर क्वेश्चन का आंसर, कितना नंबर प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तो 1 नंबर। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर डैश दे दीजिए और 1 लिख दीजिए। प्रश्न का उत्तर मिलाकर बनता है प्रश्नोत्तर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 का ये उत्तर है, इसी वजह से प्रश्नोत्तर 1 लिखा गया है। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये है सही तरीका, इस तरह ये हो गया। आप लोग इस तरह से ना लिखें, इस तरह से नहीं लिखिएगा, प्रश्नोत्तर लिखिएगा और जितने नंबर प्रश्न का आप उत्तर देना चाहते हैं उतना नंबर डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर, और डैश एक नंबर का देना चाहते हैं तो एक नंबर, दो नंबर का देना चाहते हैं दो नंबर, तीन नंबर का देना चाहते हैं तीन नंबर डाल दीजिए, और फिर बाकी तीन हिस्से में आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। ये वाले लाइन से कोई मतलब नहीं है, आप लोग यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है पूछ दिया, तो यहाँ से लिखिए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है पूछ दिया, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, बाकी तीन हिस्से में आप लोगों को लिखना है और पहले वाले हिस्से में नंबरिंग करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का कैसे लिखेंगे, कैसे नंबर डालेंगे, तो देखिए इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आसान होता है इस तरह से। मान लीजिए दो नंबर क्वेश्चन का आंसर आप देना चाहते हैं, इंग्लिश का आपका एग्ज़ाम है, तो इस तरह से लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो का देना चाहते हैं तो 2 लिख दीजिए इस तरह, 2, और उसके बाद से आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। और यहाँ से आप लोग आंसर इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दीजिए बाकी तीन हिस्से में। ध्यान रखिएगा एक हिस्से में नंबरिंग करना है और बाकी तीन हिस्से में आप लोगों को आंसर लिखना है। आंसर लिखे इस तरह लंबा चौड़ा और यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से आप लोग को पैराग्राफ चेंज करना है, तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए ना, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, इसको छोड़कर यहाँ से लिखा जाता है, यानी कि यहाँ से आप लोग पैराग्राफ चेंज यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से करके लिखेंगे ना इस तरह, मान लीजिए कुछ भी लिखना हो यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, तो इस यहाँ से पैराग्राफ बदल जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करने के लिए जो एक हिस्सा है ना, इसको छोड़ दिया जाता है और यहाँ से लिखा जाता है, तो पैराग्राफ बदल जाता है, ठीक है, और तब आप लोग फिर से वापस यहाँ से लिखने लगे, तो इस तरह पैराग्राफ चेंज किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है सबसे पहले उसको लिखना है। आराम से क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं पता है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको पेंडिंग में डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर नहीं पता है, कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पता है ना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले पता है उसको आप लोग लिख दीजिए पहले, और जब तब बाद में जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो बाद में उसको बनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करें अगर उर्दू की, कि उर्दू का पेपर कैसे लिखना है, तो ध्यान दीजिए एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उर्दू वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये आप लोग का फ्रंट पेज हो गया, यहाँ पर आप लोग रोल कोड, रोल नंबर वगैरह भर दिए, सिग्नेचर वगैरह कर दिए। अब आपको उर्दू में आंसर लिखने के लिए कॉपी को पीछे की तरफ पलटना होगा इस तरह, ठीक है ना, और देख लीजिएगा पीछे कहीं प्रिंट नहीं है, मतलब दिशा निर्देश वगैरह प्रिंट किया गया रहता है, तो अगर यहाँ पर प्रिंट रहेगा तो इस तरह एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट रहेगा, इस तरह खाली पेज नहीं रहेगा, प्रिंट किया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, तो एक पेज ऐसे छोड़ दीजिएगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर इस तरह खाली पेज है, पीछे कुछ भी प्रिंट नहीं किया गया है, दिशा निर्देश वगैरह नहीं दिया गया है, तो आप क्या कीजिए, ये फ्रंट पेज है, बस पीछे पलटिए और यहाँ से आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे कैसे, जैसा कि हिंदी में आप लोग क्या करते हैं, पहले वाले हिस्से में नंबरिंग डाला जाता है, बाकी तीन हिस्से में आंसर लिखा जाता है, उसी तरह आप लोगों को उर्दू में भी करना है। ये फ्रंट पेज हो गया, पीछे चले जाना है, कॉपी के पीछे चले जाना है, याद रखना है उर्दू में आंसर लिखने के लिए जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज में रोल कोड, रोल नंबर भर दीजिए, उसके बाद से कॉपी को पीछे की तरफ से लिखिए, यानी कि कॉपी को पीछे पलट देना है और पीछे की तरफ से आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चार हिस्सों में फोल्ड है ना, 1, 2, 3, 4, चार हिस्सों में ये मुड़ा हुआ है, तो पहले वाले हिस्से में नंबरिंग डालना है और बाकी तीन हिस्से में आप लोगों को आंसर लिखना है। और नंबरिंग कैसे डालना है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर
वन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर दो का आंसर पता है, तो लिख दीजिए यहाँ पर सवाल, सवाल लिखिए सवाल, और कितना नंबर, दो का आंसर देना चाहते हैं ना, तो दो लिख दीजिए इस तरह, दो और उसके बाद से जवाब, यहाँ पर ऐसे जवाब लिख दीजिए और डैश दे दीजिए, और तब यहाँ से आप लोग जवाब लिखना स्टार्ट कीजिए इस तरह लंबा चौड़ा, आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, बाकी तीन हिस्सों में आप लोगों को इस तरह आंसर लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों का आंसर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया, और फिर आप पैराग्राफ बदलना चाहते हैं, तो पैराग्राफ बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, इतना हिस्सा छोड़ देंगे और यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो पैराग्राफ बदल जाएगा, फिर आप लोग यहीं से लिखना स्टार्ट कर दें, ये पैराग्राफ बदलने के लिए एक हिस्सा छोड़ दिया जाता है कि हाँ पैराग्राफ बदल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को आंसर लिखना है उर्दू में कॉपी के पीछे से। अब बात आती है कि ब्लू से लिखे, ब्लू कलर के पेन से लिखे या फिर ब्लैक कलर के पेन से लिखे, तो देखिए मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ब्लू कलर से ही लिखिए, बाकी आप लोग ब्लैक और ब्लू दोनों से लिख सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके ना लिखिए, या तो अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लू से ही सारा क्वेश्चन का आंसर लिखिए, अगर आप ब्लैक से लिख रहे हैं तो सारा क्वेश्चन का आंसर ब्लैक पेन से ही लिखिए, मतलब दोनों में से कोई एक पेन का यूज़ कीजिए, आप ब्लू पेन से भी आंसर लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से भी आंसर लिख सकते हैं, अगर ब्लैक पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से ही लिखें, ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो सारा आंसर ब्लू पेन से ही लिखें, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है सबसे पहले उसको लिखना है, और बाद में जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उसको याद, अगर थोड़ी देर के बाद याद आ जाता है तो उसको लिख डालिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दो का आंसर पता था तो आप लोग लिख दिए, अब क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर नहीं पता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर पता है, और क्वेश्चन नंबर फोर में भी तीन चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर दे दिया है और कहा है कि मंदरजा ज़ैल सवालों में से किन्हीं तीन का जवाब दे, ठीक है ना, यानी कि वहाँ पर पांच सवाल दिया गया है और उसमें से आप लोगों को किन्हीं तीन सवालों का जवाब देना है, तो और ए बी सी डी करके दिया गया है, तो उस सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर फोर में अगर आपको ए का नहीं पता है, बी का आंसर पता है, क्वेश्चन नंबर फोर में पांच क्वेश्चन है ए बी सी डी ई करके, ठीक है, जिसमें से आप लोग को तीन बनाना है, तो मान लीजिए ए नहीं पता है, बी पता है ना, तो देखिए किस तरह से लिखना है, सवाल इस तरह, सवाल नंबर इस तरह फोर लिख दीजिए, और फोर का ए नहीं पता है ना, तो इस तरह बी लिख दीजिए, बी डैश देकर बी, यानी कि फोर का बी और उसके बाद से जवाब लिख दीजिए, ठीक है ना, जवाब और डैश देकर आप लोगों को यहाँ से आंसर लिखते चले जाना है, ठीक है। अब बी लिख दिए आंसर, फोर का बी का आंसर हो गया, यहाँ पर लिखिए डायरेक्ट सी लिख दीजिए, अब सी और जवाब, ठीक है। अब फिर से सवाल नंबर फोर नहीं लिखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सवाल नंबर फोर यहाँ पर लिख चुके हैं और फोर का ही बी बनाए हैं और फोर का ही सी बना रहे हैं, तो दोबारा यहाँ पर सवाल नंबर फोर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर नंबर का ही आप सी लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सी लिख दें और आंसर बताना स्टार्ट कर दें, यानी कि लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब देखिए बी और सी बना दिए, डी नहीं पता है, ई नहीं याद आ रहा है, तो छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर फाइव को, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर पता है तो डायरेक्ट सवाल नंबर यहाँ पर फाइव लिख दीजिए, सवाल नंबर फाइव और इसका जवाब लिख दीजिए इस तरह, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बोर्ड पर ऐसे करके लिख रही हूँ ना, लेकिन आप लोग मेंटेन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, भावनाओं को भी ज़रा समझिए। सवाल नंबर फाइव का आंसर पता है, सवाल नंबर फाइव लिख दिए और जवाब लिख दिए, और यहाँ से आप लोग जवाब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना, जवाब लिख दीजिए। अब उसके बाद से क्या हुआ, सवाल नंबर फोर का मान लीजिए ए नहीं बनाए थे, बी बना दिए थे और सी भी बना दिए थे, और डी आपको याद नहीं आ रहा था, अब सवाल नंबर फाइव लिखने के बाद आप लोगों को डी नंबर का आंसर याद आ गया, तो अब आप लोग दोबारा चाहते हैं कि चार नंबर का डी नंबर वाला हम बनाएं आंसर लिखें, तो आप फिर से अब यहाँ पर लिखेंगे सवाल नंबर, देखिए सवाल नंबर फोर का भी जवाब लिखे ना, उसी तरह आप लोगों को अब फिर से यहाँ पर लिखना है सवाल नंबर फोर, और फिर उसका कौन सा बनाना चाहते हैं डी नंबर, तो डी लिख दीजिए, डी और फिर जवाब, ठीक है ना, इस तरह से आप लोगों को लिखना है, क्योंकि सवाल नंबर फोर यहाँ पर इसका बी बनाए थे और उसके जस्ट नीचे ही आप लोग फोर का ही सी का जवाब लिखे थे, इस वजह से आप लोग दोबारा यहाँ पर सवाल नंबर फोर नहीं लिखे, लेकिन जब चार नंबर के बी और सी का आप बना दिए और उसके बाद से आप कोई दूसरा जवाब यहाँ पर लिख दिए सवाल नंबर पाँच का, तो फिर अगर आप दोबारा सवाल नंबर चार का ही बनाना चाहते हैं डी नंबर, तो आप फिर से अब यहाँ पर सवाल नंबर चार लिखेंगे और फिर डी लिखेंगे और जवाब लिखकर जवाब लिखना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आप लोग को करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और बात बताना चाहती हूँ, इसी तरह आप लोगों को हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर, और क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं चार सवालों को जवाब दे, और नीचे आठ सवाल दिया गया है ए बी सी डी करके, ठीक है, तो चार नंबर का आप लोगों को ए नहीं पता है, बी पता है, तो इस तरह बी लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर फोर बी और उसके बाद से आंसर,
ठीक है ना, ये इंग्लिश में आप लोगों को करना है और इस तरह से लिखते चले जाइए। और अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, अगर हिंदी में आंसर लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर लिखना है ऐसे, प्रश्नोत्तर चार का, प्रश्नोत्तर डैश देकर चार, और चार के बाद चार का कितना नंबर का आंसर देना चाहते हैं, चार का ए नंबर नहीं पता है, बी नंबर पता है, तो देखिए प्रश्नोत्तर चार और चार के बाद डैश देकर आपको क्या करना है, छोटा सा डैश दे देना है और बी लिख देना है कि चार का बी का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे, इससे पता क्या चलेगा, प्रश्नोत्तर चार का बी, यानी कि प्रश्न नंबर चार के बी का ये उत्तर है, आप उत्तर लिखे हैं और इस तरह से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसी तरह अगर चार नंबर के सी का बनाना चाहते हैं तो इस तरह डायरेक्ट लिख दें सी नंबर, सिर्फ सी लिखकर और डैश दे दे और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग प्रश्नोत्तर चार लिख दिए हैं और चार का बी का ही आंसर लिखे हैं और चार के सी का ही आंसर लिख रहे हैं, तो फिर दोबारा आप लोगों को प्रश्नोत्तर चार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। इस वजह से डायरेक्ट आप लोग सी लिख दें और सी लिखकर आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, लिख दिए। उसके बाद से मान लीजिए चार नंबर के सी लिख दिए, डी का आंसर नहीं आप लोग को याद आ रहा है, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, मान लीजिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर याद है, प्रश्नोत्तर पाँच नंबर का आंसर आप लोगों को पता है, तो प्रश्नोत्तर पाँच लिखकर आप लोग आंसर लिख दिए। उसके बाद से आप लोगों को फिर से क्वेश्चन नंबर फोर का डी नंबर का आंसर याद आ गया, तो अब यहाँ पर आप लोग फिर से नंबर डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर चार। क्वेश्चन नंबर फोर का आप लोगों को डी नंबर याद आ गया पाँच नंबर का आंसर लिखने के बाद, तो फिर से आप लोग प्रश्नोत्तर लिखेंगे, चार लिखेंगे और तब डैश देकर डी लिखेंगे, ठीक है, और तब आप लोग आंसर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डी ही लिख दें और आंसर लिखना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बीच में प्रश्नोत्तर यानी कि चार नंबर के बी का सी का आंसर लिखे थे, उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लिख दिए हैं, तो अगर आप फिर से चार नंबर के डी का आंसर लिखना चाहते हैं तो अब आप दोबारा नंबर डालेंगे प्रश्नोत्तर चार और उसका डी का आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो गलती क्या होता है देखिए मैं आप लोगों को बता भी दे रही हूँ। यहाँ से सवाल नंबर, मतलब मान लीजिए ये लिखा गया, ये तो मैं रफ कर दी हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर आप आंसर लिख दिए, उसके बाद से आप क्या करें, मान लीजिए यहाँ से सवाल नंबर सात का यहाँ पर जवाब हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जवाब लिख दिए, ये जवाब जो है ना यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया सवाल नंबर सात का जवाब। अब क्या करते हैं, अगर उनको मज़मून यानी कि उर्दू में मज़मून लिखना होता है या फिर ख़त लिखना होता है या फिर दरख्वास्त लिखना होता है, तो वो क्या करते हैं, यहीं से मज़मून लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए सवाल नंबर आठ में क्या है, मज़मून है, तो सवाल नंबर आठ का जवाब इस तरह लिख देते हैं और यहीं से मज़मून लिखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर ख़त लिखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर दरख्वास्त लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब आधे पेज से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी मज़मून हो, ख़त हो या फिर दरख्वास्त हो, उसके लिखने की शुरुआत आप लोग को आधे पेज से नहीं करनी है, बल्कि एक फ्रेश यानी कि नए पेज से करनी है। सवाल नंबर आठ में अगर मज़मून है, मज़मून लिखने को पूछा है, तो अगर देखिए आधे पेज पर आकर आपका आंसर ख़त्म हो गया है, तो कभी भी मज़मून आधे पेज से लिखना स्टार्ट ना करें, यहाँ पर कोई दूसरे सवाल का जवाब लिख दे, सवाल नंबर नाइन का जवाब लिख दे, यहाँ तक हटा दे, और उसके बाद से मज़मून लिखने की शुरुआत यहाँ पर नए पेज से करें। अब यहाँ पर लिखे सवाल नंबर आठ का जवाब, ठीक है ना, और तब यहाँ से नए पेज से मज़मून लिखना स्टार्ट करें, या फिर ख़त लिखना है तो नए पेज से कभी भी लिखा जाता है, फ्रेश पेज से, या फिर दरख्वास्त भी लिखना है तो। और यही काम आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के साथ भी करना है। आप निबंध लिखने की शुरुआत कर रहे हैं तो कभी भी आधे पेज से स्टार्ट ना करें, एकदम एक नए पेज यानी कि फ्रेश पेज से यहाँ से आप लोग निबंध लिखना स्टार्ट करें या फिर ख़त लिखना स्टार्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ कि आधे पर आंसर, मान लीजिए यहाँ पर आकर आंसर ख़त्म हो गया, कोई प्रश्नोत्तर मान लेते हैं प्रश्नोत्तर सात है, ठीक है, प्रश्नोत्तर सात, सात नंबर का आंसर यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया, इस तरह आंसर लिखे यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो यहीं से वो लोग निबंध या फिर ख़त यानी कि पत्र लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आधे पेज से कभी नहीं लिखा जाता है, ये तरीका गलत है। आप हमेशा एक नए पेज से शुरुआत करें, नए पेज से निबंध लिखें, ख़त लिखें या फिर एप्लीकेशन यानी कि आवेदन लिखे, दरख्वास्त लिखे, उर्दू हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग हमारी बात को एकदम गौर से सुने, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिख कर आना है। अब आप लोग कहेंगे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर हमें पता ही नहीं है, सारा क्वेश्चन जो भी हमें याद था वो हम लिख दिए हैं और लास्ट में दो तीन क्वेश्चन ऐसा बच गया है जिसका आंसर हमें पता ही नहीं है, तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे,
तो मैं कहूँगी कि उसका आंसर भी लिखिए, लेकिन किस तरह से लिखिए, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है ना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, यानी कि विद्युत मोटर के बारे में बताइए, तो आप लोगों को मोटर के बारे में नहीं पता है, जनरेटर जनित्र के बारे में पता होगा, तो जनित्र के बारे में ही लिख दीजिए, मतलब आंसर लिखिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है उसका भी आंसर लिखना है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है घर पर। मैं आप लोगों को पहले ही सतर्क कर दे रही हूँ, हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर लिखना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है उसको लिख दीजिए, और फिर जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बाद में याद है उसको भी लिख दीजिए, और लास्ट में अगर दो तीन क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, एकदम आइडिया ही नहीं है कि वो क्या है, हमें नहीं पता है, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर लिखिए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जो आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर याद है उस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, लेकिन लिख कर जरूर आइए, ये पहले ही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए उर्दू में क्वेश्चन पूछ दिया कि मिर्ज़ा गालिब की हालात और ज़िंदगी के बारे में लिखिए, आपको आंसर नहीं पता है, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग लिख दिए हैं, सब क्वेश्चन आप बना दिए हैं, और लास्ट में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है, मिर्ज़ा गालिब की हालात और ज़िंदगी के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे। आपको मिर्ज़ा गालिब के बारे में नहीं पता है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पता होगा, या फिर सर सैयद अहमद खान के बारे में पता होगा, जिनके बारे में आप लोगों को पता हो उनकी हालात और ज़िंदगी के बारे में लिख दीजिए, जब मिर्ज़ा गालिब के हालात और ज़िंदगी के बारे में नहीं पता है तो। लेकिन लिखिए ज़रूर, आंसर लिख कराना है, कॉपी भर कराना है, ठीक है ना, ताकि लगे एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को, चलो कुछ तो लिखा है, कुछ तो नंबर आपको देगा। लेकिन अगर खाली छोड़ कर चले आते हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख कर नहीं आते हैं, तो फिर आप लोगों को एक नंबर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ये तो ठान कर जाते हैं कि हम एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर लिख कर आएंगे और कॉपी भर कर आएंगे, लेकिन फिर भी अंत में वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यानी कि उनका एक दो क्वेश्चन छूट जाता है गलती से, वो टाइम का मैनेजमेंट अच्छा से नहीं कर पाते हैं, एक दो क्वेश्चन मान लीजिए छूट गया, तो अब वो जो है ना, एक दो क्वेश्चन जब छूट गया, आप वापस घर आ गए हैं, तो फिर अब उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एक दो क्वेश्चन छूट गया, छूट गया तो छूट गया, अब उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप अपना बेस्ट किए हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, और उसके बाद से आप घर आने के बाद जो आपका एग्ज़ाम हो गया है उसके बारे में ना सोचिए, उसके बारे में टेंशन ना लीजिए। एक दो क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया, आप जानबूझकर थोड़ा ना छोड़े, आप पूरी कोशिश किए थे, आप अपना बेस्ट दिए थे, लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया जिसकी वजह से एक दो क्वेश्चन छूट गया, तो क्या आप उसका टेंशन लेकर बैठेंगे घर पर? अब आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, कल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बारे में सोचिए। अगर आप पहले जो आज एग्जाम हुआ और घर आकर टेंशन में हो गए कि मेरा एक दो क्वेश्चन छूट गया, और उसी टेंशन में डूबे रहे, तो फिर कल का एग्जाम आपका खराब हो जाएगा, तो उसका आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो छूट गया वो छूट गया। उसके बाद से एक और बात सुनिए, एग्ज़ाम हॉल में, मतलब एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम देने के बाद, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है, वो बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देने के बाद, तो अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम कितना बनाए, हम तो इतना बना दिए, तुम बताओ तुम कितना बनाए, आपस में बातचीत करते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तो या तो कहेगा कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त गया है, बहुत ही अच्छा गया है, तो उस वक्त आप डीमोटिवेट होंगे, नहीं तो अगर आपका दोस्त बोला कि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया है, इतना क्वेश्चन छूट गया, तो उस वक्त आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी नहीं करना है, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलिए, दोस्त के साथ आराम से बात कीजिए, हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया, उसके बाद से कोई और दूसरा बात कीजिए, चलो अब अगला बार बेस्ट देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप अपने आगे पीछे ज़रूर देखते रहिएगा लिखने के दौरान, लिखिए आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने आंसर लिखने में मस्त रहिए, मगन रहिए, लेकिन बीच बीच में आप अपने चारों तरफ आसपास ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई दूसरा स्टूडेंट आपके अगल बगल चिट तो नहीं फेंक दिया है, क्योंकि इस तरह से भी कभी कभी होता है कि दूसरे स्टूडेंट जो है ना आपके पास चिट फेंक देते हैं ताकि आप पकड़ा जाए, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, बीच में अटेंडेंस भी आता है, अटेंडेंस आप लोगों को ज़रूर, उसमें आपको प्रेजेंट ही दिखाना है, यानी कि उसमें सिग्नेचर वगैरह करना रहता है और प्रेजेंट ही दिखाना रहता है कि हाँ आप एग्ज़ाम में उपस्थित हैं, तो उस वक्त आप लोगों को वो अटेंडेंस बीच में जो आता है उसको बनाना ज़रूरी होता है, अगर उसको नहीं बनाए तो फिर आप लोगों को अब्सेंट माना जाता है। यहाँ पर एक और मुझे कमेंट याद आ गया, जो आप सभी लोगों की तरफ से कमेंट आया था, उसी में से एक कमेंट था कि जिस दिन उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, क्या हम उस दिन उर्दू
लैंग्वेज में ही सिग्नेचर करेंगे या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को इस कमेंट का जवाब भी दी थी बहुत पहले, लेकिन दोबारा बता देना चाहती हूँ, आप लोगों का उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, आप हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू तीनों लैंग्वेज में साइन कर सकते हैं। उर्दू सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है ना, तो आप लोग उर्दू में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका साइन होना चाहिए ताकि पता चले कि आप एग्ज़ाम देने के लिए उपस्थित थे, एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, ये मैटर करता है। आप चाहे हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप देखते हैं जब फॉर्म फिल करवाया जाता है, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, तो उस वक्त हिंदी में भी सिग्नेचर लिया जाता है, इंग्लिश में भी सिग्नेचर लिया जाता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से सिंपली कहूँगी कि जो जिस तरह आप लोगों ने एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर किया है ना, उसी तरीके से आप लोग सिग्नेचर कर दें उर्दू के दिन, उर्दू सब्जेक्ट का जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आप लोग उर्दू में भी सिग्नेचर कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर है, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जिस दिन आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है उस दिन भी आप उर्दू में सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिग्नेचर होना चाहिए। आप लोगों का कमेंट में क्वेश्चन आया था कि हम लाइन छोड़ कर लिखें या फिर लाइन बिना छोड़े लिखें उर्दू में। तो देखिए यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की राइटिंग बड़ी बड़ी है, मतलब आप लोगों का फॉन्ट बड़ा है, आप बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो आप लोग लाइन छोड़ छोड़ कर लिखें। अगर आप लोगों की फॉन्ट छोटी है, मतलब आप छोटा छोटा लिखते हैं, तो आप लोग बिना लाइन छोड़े लिखें, यानी कि लाइन सटा सटा कर लिखें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइन छोड़ कर लिखें या फिर लाइन सटा कर लिखें। लेकिन मेरी राय अगर आप लोग मानेंगे तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप लोग लाइन छोड़ कर ही लिखें। लाइन छोड़ कर इसलिए बोलती हूँ ताकि आपका पेज भरे, ठीक है ना, और साफ साफ दिखाई दे। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग क्या करें, लाइन छोड़कर ही लिखें, चाहे आपकी राइटिंग बड़ी है फिर छोटी है, और यही मतलब आप यूँ कह सकते हैं सही तरीका है, लाइन छोड़कर लिखें। उसके बाद ग्रेजुएशन में जो होता है ना, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद जो एग्ज़ाम दिया जाता है उसमें बिना लाइन छोड़े लिखा जाता है, यानी कि लाइन सटा सटा कर लिखा जाता है। लेकिन 10th 12th की बात है, इसमें आप लोग बिना मतलब लाइन छोड़ कर लिख सकते हैं, बिना लाइन छोड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों का ये भी कमेंट आया था कि हम जो है क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखें या फिर डायरेक्ट आंसर लिख दें, यानी कि क्वेश्चन लिखें उसके बाद से आंसर लिखें या फिर डायरेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पहले हम क्वेश्चन लिख दें उसके बाद से आंसर लिखें, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर लिखें, जैसे कि यहाँ पर लिख दी हूँ मैं सवाल दो और जवाब, तो डायरेक्ट आप लोग जवाब भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग डायरेक्ट आंसर ही लिखना स्टार्ट कर दें, सवाल ना लिखें। क्योंकि जब आप लोग सवाल लिख देंगे और उसके बाद से आप लोग आंसर लिखेंगे, तो कॉपी जो चेक करने वाला होता है ना, उसको डायरेक्ट सवाल दिख जाता है, यानी कि सवाल आपने खुद ही लिख दिया है, डायरेक्ट सवाल दिख रहा है, और उसी हिसाब से आपकी कॉपी चेक होने लगती है और सही तरीके से आपका आंसर चेक किया जाता है। लेकिन आप सवाल नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो एक तरह से आप लोग का समय भी बचेगा, सवाल लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो समय आप लोग लगाएंगे आंसर लिखने में, तो एक तरह से समय भी बचेगा और डायरेक्ट अब जवाब लिखेंगे तो जिस तरह नॉर्मली कॉपी चेक होती है उस तरह से आप लोगों की कॉपी चेक होगी। आई होप आप लोग के सभी डाउट आउट हो गए होंगे और सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई हूँ ना, अगर समझ में आया है और आप लोग बिना लाइक किए जा रहे हैं तो मैं समझूंगी आप लोगों को नहीं समझ में आया है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है, ठीक है ना। व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा जाता है वीडियो का, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर बहुत कम करते हैं, तो लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। लाइक तो एक ही बार किया जाता है, तो बस लाइक एक बार कर देना है, शेयर आप लोगों को जितना दिल चाहे जितना मन चाहे उतना बार करें। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या फिर लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।